मुझे लगता है ऑपोजिशन आजकल बहुत ही कमजोर स्थिति से गुजर रही है, जो उनको हर एक चीज में साजिश दिखती है। वास्तविकता यह है कि अब एप्पल तक ने बता दिया है कि कुछ प्रकार का मैलफंक्शन दिखता है, 150 देशों में लोगों के पास गया है। उसी मैसेज में ये भी लिखा है कि अगर आपके पास ये मैसेज आया तो आप appleid.apple.com में जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं। मैंने एक व्यक्ति जिसको ये मैसेज पहुंचा है उनसे बात की, वो गए appleid.apple.com में, उसमें कोई ऐसा मैसेज तो दिखा नहीं। तो लगता तो है कि ये कुछ या तो एप्पल की तरफ से गलती हुई हो अगर उनके यहाँ से आया, या किसी और ने। आजकल तो दुनिया भर के हैकर्स और दुनिया भर के गलत लोग इस चीज़ में प्रचार प्रसार करते हैं। इसकी पूरी जांच होगी, एप्पल को भी कहा गया है इसमें साथ में जुड़े। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के नेता आज के दिन इतने गलत फहमियों में जीते हैं, इतने गलत प्रचार प्रसार के झांसे में आते हैं कि उनको किसी ने शायद प्रैंक किया होगा और या उनका मजाक बनाने की कोशिश की होगी। ऑपोजिशन के लीडर्स ने अवश्य इस चीज़ को ऑफिशियल कंप्लेन करनी चाहिए, जिसके आधार पर जिसके पास भी ऐसे मैसेजेस आए उन्होंने कंप्लेन करनी चाहिए और उसके आधार पर उचित कार्रवाई सरकार करेगी। माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया भी है कि ये इस प्रकार का स्पेकुलेशन, इस प्रकार के भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने एप्पल को भी कहा है कि वो भी इसकी छानबीन में जुड़े और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप इसे प्रैंक कह रहे हैं, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी सरकार अफ्रेड ऑफ अपोजिशन पार्टीज, राहुल गांधी और अब तमाम नेताओं से डरे हुए हैं, ऐसा अपोजिशन का क्लेम है। वो कुछ भी क्लेम करें पर देश और दुनिया जानती है कि आज उनकी क्या स्थिति है। वो आपसी झगड़ों में इतने लिपटे हुए हैं, इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो उसी में अपनी कमजोरी पहले देखें, बजाय के हमारे ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने के। स्पष्ट है कि सरकार का इसमें ना तो कोई रोल है और सरकार को इस प्रकार के काम करने की ना तो कोई आवश्यकता है।